बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आगरा दौरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे साथ। फतेहपुर में एसपी ने बाढ़ ग्रसित गांव का किया निरीक्षण, साथ ही बाढ़ राहत केंद्रों का लिया जायजा। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी उफान पर, कई गांवों का संपर्क मार्ग हुआ प्रभावित। लखनऊ में वेस्ट पुलिस द्वारा किया गया फ्लैग मार्च, 10 अगस्त से शुरू होने वाले मोहर्रम गमी के त्योहार को लेकर पुलिस अलर्ट। मुरादाबाद में सतीश चंद्र मिश्रा ने योगी सरकार पर साधा निशाना, लोगों को ब्राह्मण समाज के एनकाउंटर के बारे में बताया। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की खास खबरें। तो जलौन में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव कुमार तिवारी की अगुवाई में महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधन ज्ञापन एसडीएम अंकुर कौशिक को दिया गया है। इस ज्ञापन में अवगत कराया गया है कि विगत दिनों जिला धनबाद झारखंड राज्य के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद अपने आवास से सुबह 5 बजे लगभग घूमने को निकले, उसी समय ऑटो रिक्शा चालक ने जानबूझकर जोरदार टक्कर मार दी जिससे उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं संबंध में इस हत्याकांड की घोर निंदा करते हुए झारखंड सरकार से न्यायिक जांच की मांग की है और अभियुक्त को जल्द गिरफ्तारी की भी मांग की गई है। तो जलौन से हम आपको खबर बता रहे हैं जहां पर बार एसोसिएशन ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है राष्ट्रपति के नाम का, जिसमें कार्रवाई करने की बात की गई है। कानपुर कमिश्नर बाढ़ क्षेत्र का दौरा करने कानपुर देहात पहुंचे, नाव में बैठकर बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का जायजा लिया। वहां पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों से कमिश्नर ने मुलाकात भी की और हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। तो लगातार मानसून आ रहा है, उससे बारिश और जल भराव होने की समस्याएं तो उत्पन्न होती होती हैं, साथ ही साथ कई ऐसे इलाके भी हैं जो बाढ़ ग्रस्त हैं, यानी कि जहां पर बाढ़ आना संभव माना जाता है। उन्हीं को लेकर जायजा लिया गया और साथ ही साथ कानपुर कमिश्नर ने लोगों से भी बात की और उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने की भी बात कही है। देखिए, ये पिछले जो है एक सप्ताह से धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है, उस वजह से जैसा कि 2019 में भी इस तरह का बाढ़ आया था और इस बार लगभग 27 गांव ऐसे है जो किसी तरह से उनका रास्ता कट गया है या कुछ लोगों के घरों में पानी घुस गया है। ऐसे गाँव है कि जहाँ की जाने का रास्ता ही रिलीफ मटेरियल बांटी जा रही है और उनके साथ में विधायक जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ आज आगरा के दौरे पर रहेंगे। वो 7 घंटे शहर में रहेंगे। पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक रास्तों को होर्डिंग से पाट दिया गया है। जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए हैं जहां भाजपा कार्यकर्ता करके उनका स्वागत करेंगे। वहीं ब्रिज क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद गुप्ता भी मौजूद होंगे। तो 2 दिवसीय यूपी दौरे पर आए जेपी नड्डा आज आगरा दौरे पर है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ ममता जुड़ चुकी हैं आगरा से सीधे लाइव। ममता, आपसे जानना चाहूंगी, आज जेपी नड्डा बड़े दौरे पर आगरा आ रहे हैं, हालांकि लगातार ये देखा जा रहा है कि पहले वो लखनऊ दौरे पर आए, उसके बाद भाजपा नेताओं का आगमन शुरू हो गया है, क्या कुछ खास तैयारियां की जा रही है उनके आगमन को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय यूपी के दौरे पर हैं, तो वहीं आज आगरा के दौरे पर हैं। जो बीजेपी के जितने भी नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उनके साथ बैठकर मीटिंग करेंगे। जो विधायक हैं उनको उनसे भी मीटिंग करेंगे, जिला अध्यक्ष से लेकर सभी जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी दिग्गज नेता मीटिंग करेंगे और आगामी 2022 के चुनाव को लेकर के अपनी तैयारियों के बारे में कुछ मंथन करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन किस तरह की तैयारियां की गई है, फुल वर्षा की जाएगी ऐसा भी सुनने को मिल रहा है, तो क्या कुछ खास होने वाला है आज? जेपी नड्डा 7 घंटे आगरा में रहेंगे। जिस तरह जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ तो पूरे 8 घंटे आगरा के अंदर रहेंगे, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा उन्होंने इंतजाम
हम एक अपने राष्ट्रध्वज और एक राष्ट्रीय अपने मुख्यमंत्री उठता है और वो दस जगह स्वागत के लिए वोट बता करेंगे। जी बिल्कुल ममता, लगातार हम ये भी देख रहे हैं जिस तरह से लखनऊ दौरे पर आए उसके बाद उन्होंने पंचायत अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुखों से मुलाकात की, मीटिंग की और उन्हें मूल मंत्र देके गए हैं कि वो किस तरह से विश्वास जनता का जीते, तो यही क्या मूल मंत्र लेके वो आगरा भी पहुंचे हैं और आज विधायकों के साथ भी खास मीटिंग होने वाली है, उपस्थित रहेंगे। हालांकि जाहिर सी बात है कि वे तमाम नेताओं के साथ विधायकों के साथ मुलाकात करेंगे, तो क्या लगा है क्या कुछ सबसे वाला है इस मुलाकात के जरिए? बंगाल में पहुंचे थे तो इसी तरह से जहाँ देखा जा रहा है कि उनको लग रहा है कि अब बीजेपी बैठक नजर आ रही है, तो सफल है कि उस आगे की 2022 की तैयारियों को लेकर के वो काफी गहन मंथन करेंगे और अपने बारी बारी से सभी को जिस तरह विधायकों से बारी बारी से विधायकों से और अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको बारी बारी से नेताओं से एक मीटिंग करेंगे और उस पर मंथन करेंगे कि किस तरह से आगामी 2022 चुनाव की हासिल कर सके। जी जरूरी हो जाता है और ये लगातार हम देख भी रहे हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम लगातार ये चीज देख रहे हैं कि बीजेपी को लेकर जो मंथनों का दौर है वो शुरू हो गया है। बीएल संतोष पहले लखनऊ आए, उसके बाद तमाम मंत्रियों का जो आगमन है वो ये इशारा साफ तौर पर कर रहा है कि बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और एक बार फिर बीजेपी ने हुंकार भर दी है, इससे चुनावी बिगुल को फूंक दिया गया है जेपी नड्डा के द्वारा कि वो किस तरह से मूल मंत्र जो है वो तमाम कार्यकर्ताओं को देके जा रहे हैं। कल उन्होंने लखनऊ में ब्लॉक प्रमुख और जनता अध्यक्षों के साथ मुलाकात की, उन्हें ये मंत्र दिया कि लोगों का विश्वास आपके साथ जुड़ना चाहिए और आपको ये समझना चाहिए कि किस तरह से आप उनके एक मंत्री के तौर पर नहीं बल्कि उनके कस्टोडियन के तौर पर आप उनके साथ खड़े होकर सामने आए। तो इस तरह का मूल मंत्र वो लखनऊ में तमाम ब्लॉक प्रमुखों और को देखे गए, लेकिन आज उनका आगरा दौरा है। हालांकि उनके साथ मंत्री भी मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ तो उनके साथ मौजूद है ही, तो आज 7 घंटे का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। आगरा में भी वो कहीं ना कहीं जोश भरने के लिए गए हैं, जहां पर विधायकों से मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे और उनको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो जनता के बीच जाकर जनता से जुड़ सकते हैं और जनता के बीच जाकर वो भाजपा की तमाम उन योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचा सकते हैं। तो ये कार्य शुरू किया जा रहा है। तो वहीं आगे बढ़ते हैं और मुरादाबाद में बहुजन समाज पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन की विचार संगोष्ठी में बोलते हुए पार्टी के महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश में हुए ब्राह्मण समाज के लोगों के एनकाउंटर के बारे में एक एक लोगों को बताया कि किस तरह से सरकार ब्राह्मणों को मार रही है। लखनऊ में हिंदू महासभा के नेता तिवारी की हत्या का भी मुद्दा उठाया गया और कहा कि किस तरह यूपी में गाड़ी पलटाकर ब्राह्मण समाज के लोगों को मार दिया गया। इतना ही नहीं, सतीश चंद्र मिश्रा ने यह भी आरोप लगाया है कि इन्होंने पूरे प्रदेश के मंदिरों पर कब्जा करने की योजना बना ली है और मठ के लोगों को छोड़ दिया है। तो ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए जहां ब्राह्मणों को साधे का प्रयास बसपा कर रही है, वहीं बसपा से सतीश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, जिसको संबोधित करते हुए उन्होंने ये तमाम बातें कही और साथ ही साथ भाजपा पर निशाना भी साधा। राजधानी लखनऊ में 10 अगस्त से शुरू होने वाले मुहर्रम गमी के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। लखनऊ में कमिश्नर डीके ठाकुर के निर्देश पर डीसीपी पश्चिमी सोमेन वर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च से पहले अधिकारियों ने पुलिस कर्मियों की ब्रीफिंग की, जिसके बाद फ्लैग मार्च शुरू हुआ। फ्लैग मार्च के दौरान लोगों को कोरोना की गाइडलाइन के बारे में भी जागरूक किया गया। जो हमारी आने वाली मुहर्रम का पर्व है उसको देखते हुए स्टार्टिंग फ्रॉम बीआरवी, स्टार्टिंग फ्रॉम उसको बोलते हैं आपके दो पहिया वाहन, चार पहिया वाहन के अलग से पीएसी पैरामिलिट्री फोर्सेस, इनके सभी के अलग अलग दस्ते यहाँ पे आ रहे हैं, जिनको अलग अलग जिनकी जिम्मेवारियाँ रहेंगे। सब में रेडियो सफा, फायर ब्रिगेड, इसके अलावा भी जो संबंधित नगर निगम विभाग हैं, नगर निगम है, रेसा है, सभी के साथ बात की गई है, उनको भी अपने
फतेहपुर जनपद के थाना जफरगंज में कारागार मंत्री और जिलाधिकारी अपूर्व दुबे ने पुलिस कप्तान राजेश सिंह सहित बाढ़ ग्रसित गांव गंगवाली का बारिश में निरीक्षण किया। डीएम अपूर्व दुबे ने सभी ग्रामीणों से अपील की है कि वो सरकार द्वारा बनाए गए बाढ़ राहत केंद्रों में जाकर रहे, जहां उनके रहने खाने की व्यवस्था निःशुल्क की गई है। इसके साथ ही कारागार मंत्री जिलाधिकारी ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बने बाढ़ राहत केंद्रों का भी जायजा लिया और अधिकारियों को लगातार बने रहने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश और राजस्थान में हो रही जोरदार बारिश ने यूपी के हमीरपुर जिले में भी अब बाढ़ का खतरा बढ़ा दिया है। यहां से गुजरने वाली यमुना और बेतवा नदी उफान पर है। दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे दो दर्जन से अधिक गांव का संपर्क मार्ग प्रभावित हो रहा है। हजारों बीघा फसलें भी बाढ़ की चपेट में आकर बर्बाद और तबाह हो गई हैं। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का जिले के अधिकारी दिन रात घूम कर मौके का मुआयना कर रहे हैं और अधिक पानी बढ़ने पर आने वाली बाढ़ से निपटने के इंतजाम भी शुरू कर दिए हैं। क्या एक नदियों में आए पानी से बूंद बूंद बुंदेलखंड में एक बार फिर पानी आफत बनने की ओर इशारा कर रही है। बाढ़ को लेकर के हमारी पूरी तैयारी है। सबसे पहली चीज तो हमारा अलर्ट सिस्टम जो है बराबर काम कर रहा है। जब भी पानी मेरा आता है टीला डैम से या वहाँ से बैराज से चलता है तो हमें सूचना मिलती है, उसी हिसाब से गांव में अनाउंस करा दिया जाता है कि कहीं पे कितना पानी बढ़ेगा। और अभी जो है जमुना में तो धीरे धीरे घटते क्रम में बढ़ रहा है, लेकिन बेतवा में थोड़ा पानी बढ़ा तो शाम तक लगभग 1 मीटर और बढ़ने की संभावना है। तो आस पास के गाँव को सतर्क कर दिया गया है। बाकी हमारी बाढ़ चौकियां काम कर रही है, हमारे सारे कर्मचारी फील्ड में निरंतर। जालौन में पुलिस द्वारा अपराधियों पर रोक लगाने के लिए चेकिंग अभियान निकाला जाता है। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि नदी गांव रोड पर कुछ लोग अवैध असलहा लिए खड़े हैं। वहीं प्रभारी निरीक्षक बलिराज शाही पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास एक देसी राइफल, अवैध 5 और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए। क्षेत्र अधिकारी राहुल पांडे ने बताया की शिकायतें मिल रही थी, इसी क्रम में पुलिस गश्त पर थी। इसी दौरान इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। मऊ के सरायल खंसी थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव में 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 बदमाशों ने पुरानी रंजिश को लेकर दवा लेने जा रहे एक युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं बदमाशों ने घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। लोचपुर रानीपुर का रहने वाला है। इसका कहना है कि हम बीवीपुर आ रहे थे, इसी के गांव के सुनील दिनेश और एक लड़का उन्हीं का भाई सुनेश्वर का, इन लोगों ने 2 बाइक से 4 लोग थे, एक अज्ञात आदमी था। इसका कहना है कि दिनेश गाड़ी चला रहा था, सुनील गोली मार दी, बाई तरफ कंधे में लगी है, इलाज हो रहा है। मुरादाबाद जनपद के कटघर थाना क्षेत्र के घोसीपुरा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक बंद घर में बच्चों की चीख-पुकार होने लगी। अन्य घर के परिजनों ने चीख-पुकार सुनने के बाद बंद कमरे में जाकर देखा तो महिला अपने बच्चों पर धारदार हथियार से हमला कर रही थी, जिसमें महिला ने एक बच्चे को मौके पर ही धारदार हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया और खुद को भी घायल कर लिया। वहीं दूसरे बच्चे और घायल अवस्था में महिला को एम्बुलेंस की मदद से मुरादाबाद के हायर सेंटर में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी सुनते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये थाना कटघर क्षेत्र में एक महिला द्वारा अपने पुत्र की हत्या व अन्य अपने आप को और अपने अन्य पुत्र को घायल करने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। जानकारी में आया है कि इस महिला ने अपने चाचा के पुत्र की हत्या कर दी, अपने आप को और अपने 6.5 साल के पुत्र को भी मारने का प्रयास किया, जिसमें यह घायल हो गए। इन दोनों का इलाज इस समय अस्पताल में चल रहा है। जानकारी में अभी तक ये आया है कि इसके पति और ये आर्थिक रूप से तंगी में चल रहे थे। पुलिस अधीक्षक सबल चक्रेश मिश्र और अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जसपाल द्वारा चेकिंग अभियान किया गया, जिसमें पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से चोरी किए गए 3 मोबाइल, 2 तमंचे और कई चीजें बरामद की गई है।
बलिया के सुकुरा में दिन दहाड़े सेना के जवान पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं गोली लगने से जवान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। हमीरपुर में बेतवा और यमुना नदी उफान पर है। 157 गांव बाढ़ से प्रभावित है, जिसमें कई गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। जनपद में बाढ़ की स्थिति देखने के लिए आज यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने हमीरपुर विधानसभा की दोनों नदी की चपेट में आने वाले गाँव का हवाई सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण करने के बाद कलेक्ट्रेट के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सभागार में जनपद के अधिकारियों के साथ बैठक की और उन गांव में सरकारी सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिन गांव में बाढ़ का कहर अधिक है। सबकी जानकारी में है कि राजस्थान के कोटा बैराज से और जौनपुर की तरफ से भारी मात्रा में राजस्थान से पानी छोड़ा गया। लगभग 22 लाख क्यूसिक मीटर पानी चंबल में आया, जिसके कारण से चंबल का जलस्तर और यमुना का जलस्तर बढ़ गया और हमारे कई जिले उससे प्रभावित है। इटावा और भारत को टोक्यो ओलंपिक में स्वर्णिम सफलता मिली है। 13 साल बाद भारत की झोली में स्वर्ण पदक आया है। 2008 में अभिनव बिंद्रा को शूटिंग में स्वर्ण पदक मिला था, वहीं अब जैवलिन थ्रो में भारत की नीरज चोपड़ा ने एक तरफा जीत दर्ज कर स्वर्ण भारत की झोली में डाला है। वही बात यह है कि टोक्यो ओलंपिक में अब तक के सभी ओलंपिक से ज्यादा मेडल भारत को मिले हैं। 1 स्वर्ण समेत 7 पदक भारत के खाते में दर्ज हो गए हैं। नीरज चोपड़ा की स्वर्णिम जीत के बाद भारत का हर शख्स खुशियों से झूम उठा है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत ने टोक्यो ओलंपिक इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। जैसे अपने होनहार खिलाड़ियों से भारत को उम्मीद थी, इन सभी ने कुछ वैसा ही कर दिखाया। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पदकों की संख्या 7 पहुंचा दी। लंदन ओलंपिक में भारत ने सबसे ज्यादा 6 पदक जीते थे, जिसका रिकॉर्ड अब टूट चुका है। भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो में देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल की उम्मीद के लिए भारतवासियों को जीत का जश्न मनाने का मौका मिल गया है। पहले प्रयास में 87.03 मीटर भाला फेंका और दूसरे प्रयास में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इसे 87.58 मीटर तक पहुंचा दिया। यही स्कोर इस इवेंट में आखिरी साबित हुआ और भारत की झोली में नीरज ने पहला एथलेटिक्स गोल्ड डाल दिया है, जिसके बाद उनके परिवार समेत देश भर में खुशियां मनाई जा रही है। ओलंपिक में भारत दल का अब तक का यह सबसे बेहतरीन प्रदर्शन हो गया है। इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने पदकों की संख्या 7 पहुंचाते हुए इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा का गोल्ड भारत के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग मेडल रहा। पहलवान बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीत भारत को लंदन ओलंपिक में हासिल किए गए 6 पदकों की बराबरी दिलाई थी। बता दें भारत को लंदन में हुए 2012 ओलंपिक में 6 मेडल मिले थे, जो 2008 में हुए बीजिंग ओलंपिक से 3 ज्यादा थे। इसके अलावा भारत को 2016 के रियो ओलंपिक में 2 मेडल ही मिले थे, तो वहीं 1992 और 1900 में भी 2-2 मेडल ही भारत के खाते में आए थे। पुरुष हॉकी टीम ने भारत की झोली में सबसे ज्यादा 8 गोल्ड मेडल डाले हैं। साल 2008 में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। वो व्यक्तिगत गोल्ड जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने थे।
2021 में नीरज चोपड़ा ने भारत को भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल दिलाया है। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। अब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।